अलवर में पानी की समस्याओं से परेशान महिलाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अलवर जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण वार्ड नंबर 35 की महिलाएं आज आक्रोशित होकर सोनावा की डुंगरी स्थित पानी की टंकी पर पहुंच गईं और टंकी के नीचे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं करीब एक घंटे तक पानी की टंकी के नीचे बैठी रहीं। इस मामले की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को पानी की समस्या का समाधान करने की बात कही। महिलाओं ने बताया कि 2 महीने से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, जलदाय विभाग जाते हैं तो वहां पर आश्वासन देकर उन्हें अधिकारी वहां से भगा देते हैं। जलदाय विभाग के कर्मचारी हमारे वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्डों में पानी देते हैं और हमारे वार्ड में पानी नहीं आता। जलदाय विभाग के कर्मचारी पार्षद का फोन भी नहीं उठाते और कहा है कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से महिलाएं बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। महिलाएं दूर दराज से पानी भरकर लाती हैं और ऐसे में महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा तो वो रोड जाम करेंगी। और टंकी पर पहुंच जलदाय विभाग के अधिकारियों को महिलाओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही क्षेत्र में पानी की टंकी नहीं भर पा रही, जिससे कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। वार्ड एक कौन सी जगह है? ये वार्ड नंबर 35 है और ये सोना की डूबने के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे साहब हमारे पहले टंकी में पानी को अच्छा आता था, लेकिन अब 1-1.5 महीने से ये स्थिति होगी कि हमारे जो टंकी का जो नंबर आता था पानी का, उसको दूसरे वार्ड में भेजते हैं। हमने कई बार हमारे वाटर वर्क्स के जो आदमी जैन ये आते खोलने वाले, इनसे भी जैन साहब को, एक्सिन साहब को, जैन साहब को 3-4 बार फ़ोन करवाया था। उन्होंने कहा कि जैन साहब बोलते हैं एक्सिन साहब बोलेंगे, एक्सिन साहब बोलते हैं जैन के साहब बोलेंगे। एक्सिन साहब से बात किया, जैन साहब बताते हैं कि यहाँ का वार्ड का जो पानी है वो मनु मार्ग में शांति कुंज में चले जाता है। हमारे पहले यहाँ टंकी के पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब 1.5 महीने से ये है कि औरतें बेचारी 1 किलोमीटर से हेडपंप से पानी लाती हैं और जिनका मकान टंकी के आसपास है उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, ना उनको कोई टैंकर आता है ना कुछ आती है। बेचारी पानी छान छान करके अब 5 दिन से पानी छान छान पी रही है। टंकी में 1 घंटा पानी चढ़ते हैं और साहब बोलते हैं कि हमने 2.5 घंटा पानी चढ़ा दिया। ऊपर आके हम देखते हैं तो पानी 1 सीढ़ी या 1.5 सीढ़ी पानी आता है। एक पानी की टंकी यहाँ भी है तो क्या पानी की यहाँ दे रहे हैं पानी की सप्लाई? ये इसकी नंबर 8 से आ रहा है सब पानी है। इसकी 8 वाले के अलग टंकी है, इसकी छड़ाने वाले के लिए उसका अलग ही हौद बनी हुई है। उस हौद में से पानी ये दूसरी टंकी हम देते हैं। हम कम से कम 20 आदमी उस रोज में गए थे तो उन्होंने हमको ये दिखाया था कि ये टंकी तुम्हारी है। उस टंकी में 5 फुट से ऊपर से पाइप लग रहा है, उसके बाद वो पानी भरेगा तो वो छड़ाते हैं और बाकी 1 घंटा पानी आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, ये सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। यहाँ भी हमने कल मालूम किया, इनसे कहा बोले जी हमने 2.5 घंटा पानी छड़ाया है। वाटर बस के जो हमारे यहाँ पानी खोलने वाले आते हैं उनको मालूम करवाया तो उन्होंने कहा पानी देखो भाई 1 घंटा पानी, 1 सीढ़ी पानी भी नहीं आता है, न पानी इधर मिलता है। एक टंकी से 2 साइड पानी जाता है, एक दिन उली तरफ, एक दिन पल्ली तरफ। अब दोनों तरफ से ही पानी आ रहा है, 5 दिन से 1 बूंद पानी यहीं आ रहा है। कभी आपने पार्षद से कहा? पार्षद से भी कह लिया, पार्षद से को फ़ोन हमने करवा दिया, इनका जो कर्मचारी उनसे फ़ोन करवा दिया, उनसे मिल भी लिए थे। कोई नहीं वो नहीं हुआ। अब हमको साहब यहाँ 2 घंटे हो गए बैठे बेचारी लेडीज अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हैं, 2 घंटे हो गए अब तक कोई भी कर्मचारी 20 फोन कर दिए इनका इनके इनके कर्मचारी ने फोन कर दिया, हम लोगों ने फोन कर दिया, यहाँ एक पहले भी कोई आए थे रिपोर्टर साहब उन्होंने 20 फोन कर दिए, लेकिन अभी तक 2.5 घंटे से यहाँ कोई नहीं आया साहब, धूप में बैठे हुए हम यहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सर, मेरा नाम हरीश कुमार उद्गल है साहब। पानी की समस्या है कब से सर? यहाँ पे 2 महीने हो गए एटलीस्ट पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। अधिकारियों के पास जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है, बस आश्वासन दे के भेज देते हैं, हम पानी चढ़ा रहे हैं। उनका कहना है पानी चढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पे 3 घंटे पानी चढ़ता था। हमारी टंकी का ये कच्ची बस्ती के अंदर आती है, कच्ची बस्ती का पानी है जो ये लोग कॉलोनियों में दे रहे हैं। 3 घंटे चढ़ाने की जगह में अब 1 घंटा चढ़ाते हैं, 1 सीढ़ी पानी आती है। कई अवैध कनेक्शन भी हो रहे हैं यहाँ पे, अब पानी नहीं आता, 3 दिन में पानी आ रहा है जिसको भी ये लोग टाइम पे नहीं चढ़ा रहे हैं। तो पानी की बहुत समस्या है। हम 2 घंटे से एटलीस्ट यहाँ पे बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, बस फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, बस यही जवाब आ रहा है, कोई अभी तक नहीं आया। 2 घंटे हो गए सर यहाँ पे, औरतें सब बच्चों को भी लेके बैठी हैं, बेचारी भूखे प्यासे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। जी। पानी की समस्या के बिना आपको पता, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये सब लोग बैठे हैं। तो अभी कोई अधिकारी नहीं आया सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैडम कौन सी जगह है ये? सर ये सोनावा की डूंगरी है, उपला सोनावा है ये। यहाँ ये अपने ये पूर्व विधायक जो रहे हैं अपने भंवर जितेंद्र जी ने ये टंकी बनवाई थी,
कि भाई कच्ची बस्ती के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पे सारे मजदूर वर्ग के लोग भी रहते हैं। जो पानी की समस्या तो सर आपको पता है, आज के टाइम में सबको पानी चाहिए, लेकिन अब बस वही है कि पानी आ ही नहीं रहा। यानी कि आप कौन सा वार्ड लगता है मैडम? सर ये वार्ड नंबर 30 लगता है, 35 हो गया। आप तो पार्षद कौन है? अंशुल सैनी पार्षद है। आपने पार्षद से शिकायत की है? सर की है, कई बार की है हमने, पार्षद साहब ने भी कोई अभी तो कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम रोशनी है सर।